मैं दादू का कुछ नहीं कहूँ, देख ले उठाइए बनाए हूँ और खाए हूँ और खा के अब बस 10-11 बज गई हूँ, उठो बैठ रही हूँ। अब बस यहाँ से गई मैं कहीं आदि उठा तो कहे नहीं आई, मैं कहीं आज दिन भर पड़े रही है कहा 10-11 बज गई तो वो खिड़की जाऊँ और वो खिड़की से झाँका था ज्यादा झाँका था कहते वो पड़ा है तो कहीं एक जने पड़ा है आई आऊ को नहीं आई तो फिर आओ अंगा से गई हूँ वो कोने से ही तो मैं कहाँ के मारा खोला था राम केस के मारा खुलाई सी अब फिर गई देखा तो दादू कहीं वो घर के दिखे करे तक पड़े रही है रात भर दिन भर पड़े रही है रात नहीं तो सोए भाई भाथी लागी अजय मारी नहीं तैयार भाथीला पारा है खून अब भाई के तारे से हुआ से हुआ से गहा है अजय गद्दा ओढ़े है दसवाए रहा था वो गद्दा को देखे तब वहीं भर रहे हैं वो जो निकले वा के लाए हैं कहे मामा का लड़का लेवा के लाई है वह भर रहा है और वो नान भूजा लड़का 2 साल के अब अपना बस और 3 जने रहे हैं वह बताओ रही मैं यही कथा नहीं देखे पता हम देख नहीं आई कथा बताओ थी अबे जाने कहाँ में है ना हम बताओ घर का बुझन में जाना था हुआ कहा कमा के आवा है तो कह रही है कहा मरे वो लड़का आते रहा अजा के मले वाला हूँ कहा वही वो कमा के आऊँ कहा वही घर नहीं जाना था मैं कदले वाला तो ये अंधे थोई थोई हो गया रह जाए ले वहाँ के आई है तो बस भीतर घुस गए तो पानी वानी पी आई सी खाना वाना दी सी फिर कहा कि दोनों जने गए तो अंडा लाए हैं और बनावत खा रहे हैं रात वहाँ पर बनावत खा रहे हैं फिर मैं दादी कहते हैं तो भाई पढ़ ये मैं पढ़ रही हूँ सहो दिया। ये घटना कोतवाली करवी के तरहुआ गाँव की है जहाँ होरीलाल कि कल रात में हत्या कर दी गई 35 वर्षीय, इसकी सूचना ग्रामीणों ने आज दी। घटना ये रात की है और इसमें जो है मृतक की पत्नी और उसके ममेरे भाई की संलिप्तता उसकी मां द्वारा बताई गई है। मौके से वो नहीं था है जबकि रात में भी खाए थे मेरे भाई और उसकी पत्नी और उसके बाद जो है घटना के बाद वो लोग फरार हो गए दूसरे दरवाजे से। एक दरवाज़ा बंद था घर का। आज जब गांव वालों ने देखा कि वो व्यक्ति घर से नहीं निकला है तो संदेह हुआ तो घर के अंदर जाके देखा तो वो इस तरह से जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। गांव वालों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ये जो घर में मसाला पीसने वाला सिलबट्टा होता है उसी से जो है कूच की हत्या की गई है। मौके पर सिलबट्टा भी बरामद हुआ है जिसमें खून लगे हुए हैं। अब चूंकि बुहारी की पत्नी और उसका मेरा भाई घटना के बाद फरार है उनकी तलाश की जा रही है। तलाश होने के बाद पूछताछ नहीं था।